जय श्री सीताराम। ज़रूरी अपडेट है मित्रों, अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइना का रॉकेट गिरा सबसे बड़ा, और उसके बाद स्पेसएक्स के भी रॉकेट ऑस्ट्रेलिया में 2 दिन पहले उसके सैटेलाइट गिरे। ये फ्रीक्वेंसी अब तेज़ होने वाली है। इधर भारत के बहुत सारे राज्यों में गायों की जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे भी कहीं न कहीं भयानक घनघोर कलयुग ही जिम्मेदार है, जो अब आखिरी चरण में अपनी पूरी तीव्रता के साथ प्रदर्शित हो रहा है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग ट्विटर पर, जितने ये सनातनी टाइप के लोग पैदा हो गए हैं जो सारे फेक अकाउंट वाले हैं, रोज़ भगवान की फ़ोटो चेपते रहते हैं, उनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनसे बहुत बच के रहिए। वो सारे कली के ग्रसित लोग हैं, क्योंकि भक्ति जो होती है उसको समझने का प्रयास कीजिए, विग्रहों का दर्शन कीजिए मंदिरों में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मंदिरों में बहुत कली ग्रसित लोग पहुंचने लगे हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए आप लोग। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कली पुरुष जो है वो संभवतः जो है क्रिश्चियनिटी से या इस्लाम से पैदा हो रहा है, जैसे कि और हमने देखा था अपने धर्मों में उस तरह से इसका उदय नहीं है, बल्कि इन दो धर्मों से इसका उदय है, जो इस साल या अगले कुछ महीनों में ही जिसका प्रकटीकरण संभव है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। खुद को बचाएं, भक्ति में लगाएं।